तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम DRCC के ये कुछ एरर को लेकर आए हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारा कब तक सॉल्व होगा और कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि आप DRCC का सब्सिक्वेंट पेमेंट अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा एरर आ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका, जैसे ही आप OTP सेंड करने जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और यहाँ पे आपका न्यू करके ऑप्शन एक दिखाई देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है और ये कब तक सॉल्व होगा? तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं और जानते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल BBFT इन्फो पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम के लिए एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड वीडियो और बहुत ही ऐसे सर्विस है जो हमारा गवर्नमेंट के तरफ से फ्री दिया जाता है, उसका वीडियो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके पूरा प्रोसेस जानते हैं कि हमारा जो होता है वो जो OTP ऑप्शन आता है उस पे जो हम OTP सेंड करते हैं तो हमारा वो मेल आता है या नहीं आता है। तो किसी भी प्रकार का समस्या आपको हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइए, या पब्लिक ग्रुप एक हम बनाए हैं व्हाट्सएप का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी भी प्रकार का समस्या से रिलेटेड आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द इस पर वीडियो दे दिया जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रोफाइल लॉग इन करके सब्सक्राइब पेमेंट पे आते हैं। सब्सक्राइब पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है। और सब्सक्राइब पेमेंट पे आते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है और ये हमारा डिक्लेरेशन का ऑप्शन, और यहाँ पे OTP जब हमारा सेंड होता है तो OTP तो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे हमारा बताया गया है सबसे पहले। अगर नहीं है तो इस केस में आपको अपने नियरेस्ट सेंटर से जाना है और आपका OTP यहाँ पे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करना है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा OTP भेज रहे हैं, तो यहाँ पे OTP सेंड तो हो रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा मेल करके एक ऑप्शन आ रहा है और OTP हमारा नहीं हो रहा है जिसके कारण हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए मैंने अपने DRCC में अपने दोस्त को भेजा था जो वहाँ पे मतलब इस समस्या को लेकर गया था। तो वहाँ पे DRCC के ऑफिसरों द्वारा बताया गया था कि अभी DRCC का जो हमारा सर्वर है वो सर्वर डाउन चल रहा है, तो आप मंडे तक वेट कर लीजिए। मंडे तक आपका सर्वर डाउन मतलब कि ठीक कर दिया जाएगा, तब आप यहाँ से आसानी से अपना जो ये एरर आ रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप मतलब कि चेक करते रहिए, बीच बीच में भी आपका सर्वर मतलब कि आ सकता है। तो ये हमारा यही समस्या है कि सर्वर डाउन कर दिया गया है जिसके कारण हमारा OTP नहीं जा रहा। तो यह कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दो दिन आप वेट कर लीजिए, यानी कि मंडे तक आप वेट कर लीजिए। मंडे तक ये हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और बीच बीच में होता है तो आप मतलब कि ट्राई करते रहिए और हम भी ट्राई करते रहेंगे। इन केस जैसे ही मतलब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है तो इस पे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही हम आप लोग कहना चाहते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आए हैं और उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब की करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।